नर्मदापुरम शहर के अमर चौक पर बीच बाजार में दिन दहाड़े चार युवकों द्वारा किए चाकू से हमले में युवक की मौत हो गई। युवक ने भोपाल में इलाज के दौरान शुक्रवार रात को दम तोड़ दिया। सूचना मिलते ही शहर में सनसनी फैल गई। मृतक के निवास क्षेत्र में पुलिस लगाई गई। शनिवार को भोपाल में सबका पोस्टमार्टम होगा, जिसके बाद सबको नर्मदापुरम लाया जाएगा। इधर हमला करने वाले चारों आरोपी विकास कलोसिया, अर्पित इंगले, अमन लोखंडे और सौरभ सिंधे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शाम तक कोतवाली पुलिस मामले का खुलासा करेगी। हत्या की वजह पुरानी रंजिश है। 20 दिन पहले मृतक साहिद खान का विकास कलोसिया से झगड़ा हुआ था। तब साहिद ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। शुक्रवार दोपहर में 3:15 पर अमर चौक पर अपने दोस्त के साथ साहिद को खड़ा देखे, तब विकास कलोसिया, अर्पित इंगले और अमन लोखंडे सौरभ सिंधे उससे बात करते हुए एक गली में ले गए। बातों बातों में विवाद हुआ और अमन ने साहिद को चाकू मारना शुरू कर दिया। लहूलुहान साहिद जैसे तैसे जान बचाकर कोतवाली थाने पहुंचा और गस खाकर गिर गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उसकी पसली, पेट में गहरी चोटें आई थी। गंभीर हालत होने से उसे भोपाल रेफर किया। मामले में आरोपी युवक विकास कलेसिया के एक हाथ में भी चाकू लगा है। उसका भी भोपाल में उपचार कराया गया।